Hello guys, today's video is prepared for the civil engineers who had completed their diploma or degree in civil engineering. Welcome to Wikibug. In this video, I will explain you the exact documents required for the registration of civil engineer in educated unemployed engineer in PWD. Let's see its introduction part and exactly educated unemployed engineer kya hota hai. In introduction, you can see the title of unemployed engineer registration in PWD as a government contractor, which is presented by me. Firstly, मैं बताना चाहता हूँ कि unemployed civil engineer होता क्या है. Friends, आप में से बहुत सारे लोग government job के लिए try करते हैं, they are preparing for the government job. But कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिसको बिल्डरशिप में या प्राइवेट फील्ड में ट्राई करना है, जैसे कि और एक ब्रांच है इसमें कॉन्ट्रैक्टरशिप. बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्टरशिप में इंटरेस्ट होता है. तो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्टरशिप में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, इसको मराठी में कहा जाता है सुशिक्षित बेकार अभियंता. पीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसमें एक अलग से कोटा रखा गया है सूबे के लिए, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए. होता क्या है पीडब्ल्यूडी, मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. आफ्टर डिप्लोमा और डिग्री, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा और डिग्री, इफ यू वॉन्ट टू वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आपको फर्स्टली इसका रजिस्ट्रेशन, दैट इज लाइसेंस निकालना पड़ता है. तो लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो आज को मैं आपको बताऊंगा. स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो. पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, टोटल फीस फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर. बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि कितनी फीस, मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द रजिस्ट्रेशन कितना है. तो इसकी टोटल फीस है 23,000. तो उनको इनिशियली जब आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एट दैट टाइम आपको 1,000 rupees ऑनलाइन पीडब्ल्यू को सबमिट करना होता है. ऑनलाइन पेमेंट आप सभी को पता ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको 1,000 rupees सबमिट करना है. उसके बाद 2,000 rupees सेपरेटली एंड एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, आपका पूरे प्रपोजल के लिए अप्रूवल जब मिलता है उस वक्त आपको 20,000 rupees सबमिट करना है. दैट इज टोटल 23,000 आपको सबमिट करना होगा पीडब्ल्यू के अकाउंट में ऑनलाइन. नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. तो टोटल महाराष्ट्र में टोटल थ्री वेज, देर आर थ्री वेज फॉर द कॉन्ट्रैक्टरशिप. एक को कहा जाता है मजदूर संस्था, सेकंड है रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर जो इंजीनियर वगैरह नहीं है बट कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं, सेकंड और डिप्लोमा, डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियर जो कि बी ए डिप्लोमा के बाद जिसको रजिस्ट्रेशन होता है. दैट इज थ्री वेज, मजदूर सोसाइटी, रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज अ सूबे. अगर आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, दैट इज आफ्टर डिप्लोमा एंड डिग्री, तो आपके एडवांटेजेस क्या क्या हैं. फर्स्ट, देयर विल बी द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू लॉटरी मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉटरी? लॉटरी का मीनिंग है किसी एक दिन डिपार्टमेंट जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, इंजीनियर हैं, उन सबको इन्वाइट करती है और उस दिन विदाउट एनी टेंडरिंग उनको काम अलॉट करते हैं. दैट इज द लॉटरी मेथड. टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होगी, डायरेक्ट उनको काम अलॉट करते हैं, उसी को लॉटरी मेथड कहते हैं. सेकंड है एग्जम्पशन ईएमडी. एग्जम्पशन के मीनिंग है आपको ईएमडी से छूट दिया गया है, माफी दी गई है, मीन्स आपको ईएमडी सबमिट करने की जरूरत नहीं है. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी एसडी अगर आपको जानना है तो आप मुझे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, अगर कुछ पता नहीं है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मैं डिटेल में इनको दे दूंगा. एंड लास्ट है टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट का मीनिंग है जीएसटी एंड ऑल. अगर आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है तो एज पर माई नॉलेज आपको 2% टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है. एंड रजिस्ट्रेशन क्लास, यस, अगर आप डिप्लोमा और डिग्री के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो पीडब्ल्यू में, तो आपका लाइसेंस, दैट इज अ रजिस्ट्रेशन, कितने साल के लिए वैलिड होता है? आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है, आई थिंक वो 25 years के लिए वैलिड होता है. जैसे उसी तरह अगर आप पीडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्टरशिप का लाइसेंस बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, तो उसका वैलिडिटी रहेगी 10 years. वर्क कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम आप 1.5 crore, 1.5 crore तक आप काम कर सकते हो. एंड रजिस्ट्रेशन क्लास का नाम है क्लास 4. What is the meaning of class 4? According to capacity of contractor, according to capacity, according to financial status, according to capability. अलग अलग लोगों को अलग अलग क्लास के रजिस्ट्रेशन देती है, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5, समथिंग एंड क्लास 1 एंड ऑल. बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको क्लास 1 अनलिमिटेड भी होता है, क्लास 1 में ए बी सी ऐसे. अगर उसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो उसके लिए अलग से बनाऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. इस इन्फॉर्मेशन को आपको और थोड़े से डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपके लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन जो रिसेंट में एक बंदे ने रजिस्टर कराया है वो लेके आया हूँ. अपन वो देखते हैं रजिस्ट्रेशन. एक सैंपल रजिस्ट्रेशन है जिसको इशू किया है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिवीजन उस्मानाबाद ने. बस ये उस्मानाबाद से बिलोंग करता है, इसके लिए ये उस्मानाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इशू किया है.
अप टू 150 लाख दैट इज द 1.5 CR. रजिस्ट्रेशन क्लास एंड पीरियड क्लास 4 में रजिस्टर होगा एंड 10 इयर्स उसकी वैलिडिटी होगी. मींस 2019 में इशू हुआ है एंड 2029 में है ये एक्सपायर होगा. वर्क आई थिंक यहाँ पे फीस भी दी गई 20,000 रुपीज. मींस लास्ट जो फीस होती है वो 20,000 2,000 एंड 1,000 दैट इज द 23. काम करता है डेजिग्नेशन है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. मींस आपके जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन इशू कर. दिस इज द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ एन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर. आप टाइटल भी देख सकते हो अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर और अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग रजिस्ट्रेशन. तो आपको ये समझ में आया होगा. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. इशूइंग अथॉरिटी मीन्स आपको जो इशू करने वाला है सर्टिफिकेट पे जिसके साइन रहेगी आपको जो देने वाला है वो रहेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन ऑफिस पीडब्ल्यू. तो पीडब्ल्यू कहीं का भी ऑफिस रहेगा आपका जहाँ का रेसिडेंट एड्रेस है डोमिसाइल जहाँ का है वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको इशू करेगा. लेट्स सी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज. एज यूजल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री की मार्कशीट लास्ट ईयर मार्कशीट जो है वो आपको डिप्लोमा है तो डिप्लोमा डिग्री है तो डिग्री की मार्कशीट आपको रेडी अवेलेबल. एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दैट इज द डिग्री सर्टिफिकेट एज यू ऑल नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट डिप्लोमा सर्टिफिकेट देन लिविंग सर्टिफिकेट देन SSC एंड HSC सर्टिफिकेट देन आधार कार्ड देन परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज अ पैन कार्ड अगर नहीं है तो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल निकाल के या आपको अवेलेबल कराना होगा. नेक्स्ट विल बी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड दैट इज द एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दैट इज द जॉब सीकर कार्ड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट. फ्रेंड्स आपके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड का वो आप वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पे अपने पर वहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर कराना है. मैं इस वीडियो के लिंक में भी वो वीडियो डाल दूंगा आपको कैसे वहाँ पे रजिस्टर कराना है. नेक्स्ट स्लाइड विल बी एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर. आपको 100 रुपये दैट इज 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे एक अंडर टेकिंग देना है. अंडर टेकिंग का फॉर्मेट भी अगर आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल करूँगा आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू. यस नेक्स्ट आपको आपकी एक फोटोग्राफ और आपको एक आपके ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके प्रूव कराना है सिग्नेचर. These are the required documents which you can see on your screen. अब आपको और कुछ information चाहिए तो आप मुझे mail भी कर सकते हो. Next video में मैं आपको fully website पे कैसे register कराना है उसकी information detail में दे दूँगा. Till that time you can arrange these documents. आप सभी को ये video अच्छा लगा हो तो Wikibug जो एक channel है please उसको subscribe and like करना मत भूलिए. Thank you.